वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। भारत के कारण वो भारत अपने स्व के साथ खड़ा हुआ, वो मूल है हिंदुत्व का, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। ग्वालियर में निजी अखबार के मंच से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू और हिंदुस्तान के अस्तित्व की असली कहानी बयां करते हुए कट्टरपंथियों समेत दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को अपने संबोधन से सुलगा दिया। इतना ही नहीं, हिंदू से ही हिंदुस्तान का अस्तित्व है, इस बात का जिक्र भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन के दौरान कर ही दिया। और ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को माँ केवल इसलिए नहीं कहते कि वो हमें अन्न देती है, बल्कि वो हमें संस्कार और स्वभाव की शिक्षा भी देती है। संघ प्रमुख ने हिंदुओं को चेताते हुए कहा है कि इतिहास गवाह है, जब जब हिंदुओं की ताकत या हिंदुत्व का भाव कम हुआ है, हिंदुओं की संख्या कम हुई है। और ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता। याद रखना होगा, हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरे की घंटी को बजने से पहले ही निपटा देना चाहिए। भारत को हिंदू रहना है, एक रहना है, अखंड रहना है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू कमजोर हुआ, हिंदू अपने हिंदुत्व की भावना को भूला, मुसलमान अपने आप को भूले, तब अंग्रेजों ने अलग मुल्क पाकिस्तान बना दिया। यही तर्क है उसके पीछे। भारत छोड़ के हिंदुओं का इतिहास क्या लिखेंगे और हिंदू को छोड़ के भारत का इतिहास क्या लिखेंगे, अंग्रेजों ने लिख डाला, क्या मिलता है उसमें? हम इतने सारे लोग यहाँ बैठे, हमारे देश में अपने आप को जो हिंदू कहते हैं उनके सही 15 पीढ़ी के पहले हमारे पूर्वज नहीं थे, ऐसा सबको लगेगा, ऐसा वो अंग्रेजों का लिखा ही गया। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए। हिंदू है तो भारत है, हिंदू ही हिंदुस्तान है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। और ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।